हेलो स्टूडेंट्स देखो आज मैं मिसलेनियस कॉन्सेप्ट में एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूँ विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर जेई मेन जेई एडवांस्ड एंड ऑल टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स और वो एन सी आर टी ने भी बड़े जोर शोर से बोला हुआ है इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो नहीं है जेई मेन e. में बट जिस तरीके से जितने सारे पेपर्स अभी बनाने होते हैं जेई मेन को वो एन में से ढूंढ ढूंढ करके चीजें देते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अब फेबरवरी मार्च अप्रैल मई अटैम्प्ट जो हैं ट्वेंटी ट्वेंटी वन के जेई ट्वेंटी ट्वेंटी वन जेई मेन इसमें पक्का कहीं ना कहीं ये कही क्वेश्चन आएगा बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है बस स्ट्रांग फीलिंग है और मैं आपसे एक्सप्रेस ना एक्सप्रेस ना करूं ऐसा हो नहीं सकता तो मैं अपनी मन की बात तो आपसे करूंगा ही करूंगा आपको सुननी पड़ेगी और वो है डाईहाइड्रल एंगल ऑफ एच टू ओ टू मॉलिक्यूल हाइड्रोजन परोक्साइड आप जानते हो बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी है एच टू ओ टू ये एक नॉन प्लेनर पोलर मॉलिक्यूल है आप इसकी स्ट्रक्चर बात करो तो स्ट्रक्चर लाइक like This. जैसे दो ऑक्सीजन कनेक्टेड हैं और ये मान लो हाइड्रोजन कनेक्टेड है इस टाइप से इस टाइप से और डाईहाइड्रल मॉलिक्यूल को आप इस तरीके से बता सकते हो कि ये मान लो एक प्लेन ये हो गया और दूसरा प्लेन ये हो गया ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे लैपटॉप खोल दिया हमने जैसे लैपटॉप होता है यहां पर मान लो कीबोर्ड आ गया और ऊपर ये स्क्रीन आ गई ये दो इंटरसेक्टिंग फेसेस हैं तो डाईहेड्रल एंगल जो होता है इस एंगल को बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल एंड दिस इज़ फाउंड टू बी 111.5 डिग्री इन गैसियस फेस 90.2 डिग्री इन सॉलिड स्टेट एच टू ओ टू सॉलिड में एच टू ओ टू गैस में तो डाई एंगल और टॉर्चनल एंगल भी बोलते हैं इसको इज नथिंग बट एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स मैं जरा चेक right कर लू ये राइट में कट तो नहीं गया जस्ट बच गया है तो इट इज एंगल बिटवीन द टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स डायहेड्रल अच्छा डायहेड्रल हेड्रल मतलब फेसेस डायहेड्रल डाई का मतलब टू हेड्रल मतलब फेस face. दो फेसेस के बीच का एंगल तो दो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स के बीच के एंगल को हम टॉर्शनल एंगल या डायहेड्रल एंगल कहते हैं और ये फैक्चुअल पॉइंट है एनसीआरटी ने बढ़िया से मेंशन किया हुआ है इसे बोलते हैं ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर ये पहले मैं बता चुका हूं ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर इन केमिकल बॉन्डिंग इट इज यूजुअल वन ओ बॉन्ड लेंथ इज़ क्वाइट हाई बिकॉज इट कंटेन्स टू टू लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ दैट है वो सब नॉर्मल बातें हैं वो नहीं कह रहा मैं यहां पर तो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है